जो शाम को एक हिमालय क्वीन एक्सप्रेस ट्रेन चलती थी जिसका 8:20 पे टाइम था और एक ट्रेन का टाइम 9:10 पर था, यहाँ रात को 9 बजे पानीपत से दिल्ली जाती थी। सर जब से कोरोना स्टार्ट हुआ मार्च 2020 से ये ट्रेनें बंद है और सर कोरोना ख़त्म हो चुका है और आपको पता है सभी स्कूल सभी कॉलेज खुल चुके हैं, सभी शॉप्स खुल चुकी है, ऑल शॉप्स आर ओपन, ईच एंड एवरी स्कूल ओपन, ईच एंड एवरी कॉलेज इज ओपन, बट दीज टू ट्रेन्स आर नॉट रनिंग सिंस मार्च 2020। 3.5 साल से सर ये प्रॉब्लम मतलब पैसेंजर्स को हो रही है। सर शाम को 5:30 बजे, यू नो दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली एक कैपिटल है भारत की, और उस पर जाने के लिए भी मतलब शाम को 5:30 बजे के बाद कोई भी ट्रेन नहीं है पैसेंजर्स। एक ये एक आदमी की प्रॉब्लम नहीं है, ये हज़ारों डेली पैसेंजर्स की प्रॉब्लम है। 3.5 साल हो गए सर। वैसे तो इंडिया ने सर चांद पे चंद्रयान भेज दिया है सर, और सर पॉपुलेशन इतनी बढ़ी हुई है तो ट्रेनों की संख्या तो बढ़नी चाहिए, तो नेचुरल थिंग है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में इंडिया ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है, और सर इसके बाद ट्रेनों की संख्या तो बढ़नी चाहिए। और जो 3.5 साल हो गए सर, जो 3.5 साल से जो ट्रेनें बंद है उसकी वजह से डेली पैसेंजर्स को, हमारी माताओं को, बहनों को, बेटियों को जितनी प्रॉब्लम्स हो रही है उसको हम ही समझ सकते हैं। तो मैं सर ये रिक्वेस्ट करता हूँ मोदी जी से, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई जस्ट रिक्वेस्ट टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्लीज़ रिस्टार्ट दीज ट्रेन, एक तो हिमालय क्वीन एक्सप्रेस और एक पानीपत से दिल्ली जो ट्रेन जाती थी, पानीपत से दिल्ली जो ट्रेन जाती थी जिसका टाइम रात को 9 बजे था, वो 3.5 साल से बंद है। तो मोदी जी से हाथ जोड़ के यह विनती है कृपया इन ट्रेनों को चला जाए, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कृपया इन ट्रेनों को, जो हिमालय क्वीन एक्सप्रेस है और जो 9 बजे ट्रेन है, उनको आज से ही चलाया जाए, ताकि ये मेरी समस्या नहीं है, ये नहीं कि एक मेरी समस्या है तभी से मैं यहाँ मतलब मीडिया के सामने आई हूँ, ये हज़ारों लोगों की समस्या है, हज़ारों हमारी माताओं बहनों बेटियों की समस्या है, ये नहीं कि मैं स्वार्थी हूँ कि मेरी समस्या अपने स्वार्थ के कारण यहाँ आया हूँ।